तीसरे T20 मुकाबले के लिए सूर्यकुमार यादव ने बदल डाली टीम इंडिया की पूरी प्लेइंग 11। अब इन 11 शेरों के साथ साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे T20 में टीम इंडिया उतरेगी मैदान में। जी हां दोस्तों, आखिरकार भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले तीसरे T20 मुकाबले के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने किए हैं प्लेइंग 11 में कौन से बड़े बदलाव और कौन से 11 धुरंधर खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे T20 मुकाबले में उतरेंगे मैदान पर, बताएंगे आपको टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के बारे में इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही 3 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 मुकाबला टीम इंडिया के नजरिए से काफी अहम है। टीम इंडिया 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला गंवा चुकी है, जिसके बाद टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से पिछड़ गई है। पहला T20 मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ने के बाद साउथ अफ्रीका ने दूसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम को मात दी है। ऐसे में अगर टीम इंडिया को सीरीज हार से बचना है तो तीसरे T20 मुकाबले में गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अब टीम इंडिया दूसरे T20 मुकाबले में की गई गलतियों को तीसरे T20 मुकाबले में दोहराना नहीं चाहेगी। आपको बता दें कि तीसरे T20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी में बड़ा बदलाव हुआ है, जहां शुभमन गिल और जायसवाल की छुट्टी प्लेइंग 11 से हो गई है। इसके अलावा टीम के प्लेइंग 11 से कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह भी बाहर हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि आखिरकार तीसरे T20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। इस तीसरे T20 मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे, जबकि इसके अलावा टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, रविंद्र जडेजा, रवि बिश्नोई, दीपक चहर, मोहम्मद सिराज और मुकेश कुमार। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हो सकती है तीसरे T20I मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।